देखिए, ये जितना भी इसके इस ऑर्डर या जो वर्बल ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, उसको हम कंडेम करते हैं। इसलिए कंडेम करते हैं कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायोलेशन है, जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है, इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। दूसरी बात यह है कि जब से वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया है। तीसरी बात यह है कि उस हाईवे के ऊपर मैकडोनल्ड है, केएफसी है, पिज्जा हट है, आपके कैफे कॉफी डे है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हो लोग? उनसे क्या कुछ बातचीत हो गई क्या आपकी? पांचवी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नाट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे? आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहां गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहां चलेगा? कचरे के बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? फिर मोदी जी संविधान को उठा के चूमते, ये सब नाटक ड्रामा हो रहा है। तो ये स्टेट की तरफ से हिंदुत्व की जो तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके प्रेशर में आकर ये बोला जा रहा है कि आप मुसलमान की दुकानें मत जाओ। क्या है ये, किस लिए हो रहा है? आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, इसका नाम अबू बकर है, इसका नाम अली है, इसके पास मत जाओ आप। ये क्या है ये? और आखिरी बात यह है कि मैं चैलेंज कर रहा हूं, रिटर्न ऑर्डर निकालो आप। योगी आदित्यनाथ में अगर हिम्मत है तो रिटर्न ऑर्डर निकाल के बताओ हमारे को इसके बारे में। क्लियर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मुसलमानों से, ये कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमने आर्टिकल 17 के जरिए अनटचेबिलिटी खत्म किया, आप अनटचेबिलिटी ला रहे हैं। आप राइट टू लाइफ के खिलाफ है, राइट टू लाइवलीहुड के खिलाफ है। तो ये क्लियर कट डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर है और ये बताता है कि ये मुसलमानों को सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। और पूरा जो लार्जर इनका स्कीम है उसका ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और मुजफ्फरनगर के ढाबों से पूरे मुस्लिम एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया है। आप ही के टीवी, एक दूसरे टीवी चैनल की रिपोर्ट है आपके, निकाल दिया गया है। बताइए क्या कर रहे हैं आप, क्यों जुल्म कर रहे हैं साहब? इतनी नफरत क्यों है बीजेपी को मुसलमानों से? आपकी संविधान की ड्यूटी निभाइए ना आप। देखिए ये इलेक्शन वो इलेक्शन, ये इनकी कंसिस्टेंट हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के ऊपर ये लोग अमल कर रहे हैं। अपीजमेंट किसका हो रहा है बताइए? इस तरह का ऑर्डर निकालकर अपीजमेंट आपके ऑर्डर का कर रहे हैं और मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं आप। आप बाजाब्ता स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि मुसलमान की दुकान पे आप मत जाइए, बायकॉट करिए उनका आप। और पिछले कई सालों से तो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन तो यही बोल रही है कि मुसलमानों का समाजी बायकॉट करो, सोशल बायकॉट करो, यही हो रहा है। अरे छोड़िए ना, भाड़ में जाए वो कोई बोलता नहीं बोलता, संविधान है। ये स्लोगन से गवर्नमेंट चलती क्या? आपका संविधान में राइट टू इक्वालिटी है, संविधान बोलता डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप।
संविधान में लफ्ज माइनॉरिटी का वर्ड इस्तेमाल हो आर्टिकल 29-30 में, ये फंडामेंटल राइट है, ये देश का बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इनके बोलने नहीं बोलने से कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। ये अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं बीजेपी, और खास तौर से मुसलमानों से इनकी नफरत अब खुल के आ रही है। असम का सीएम झारखंड में बोला है मुस्लिम पॉपुलेशन असम में 12% 1951 में 12% का 50% हो गया, मैं इसके खिलाफ लड़ रहा हूँ, ये बहुत डेंजर ट्रेंड हो रहा है, पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री जो है भारत के टॉप फाइव झूठों में शुमार होते, और उनकी झूठ ये है कि 1951 में मुस्लिम पॉपुलेशन 24.68 था। झूठे हैं वो, और नफरत करते हैं आसाम के मुसलमानों से। आसाम में है तो बंगाली मुसलमान मियां बोल के डिस्क्रिमिनेट करते, आसाम के बाहर गए तो पूरे मुसलमान डिस्क्रिमिनेट करते। झूठ क्यों है बोल रहा हूं मैं आपको, 1951 में आसाम था, उसमें नागालैंड नहीं था, मिजोरम नहीं था, आपके अरुणाचल नहीं था, मेघालय नहीं था, राइट। अब ये अलग स्टेट जब बन गए तो उस वक्त 51 में 24.68 मुस्लिम पॉपुलेशन था, 2001 में 30.92 था, और 2011 सेंसस में 34.22 था। इतना झूठ बोल रहे, और इनके झूठ की वजह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे ऑफिसर्स मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं, और कैसा कर रहे हैं मैं बता रहा हूं आपको। वहां पर एक एरिया है जागीर रोड बोल के, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया डिमोलिश मत करो, डीएम साहब जो है ऑर्डर नहीं मिला बोल के सिर्फ मुस्लिम हाउस होल्ड्स को कारोबार को डिमोलिश कर दिए। आसाम में नियरली आसाम में जो मिनिस्टर्स कॉलोनी है, ये हेमंत बिस्व को बोलो पूरे मुस्लिम लेबरर्स बनाए वो। अगर 40% है मुसलमान आसाम में तो कौन सा आसमान गिर रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है बताओ, ये कितना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल 40% है, पूरा तरकारी बेचने वाला मुसलमान, मच्छी बेचने वाला मुसलमान, ऑटो चलाने वाला मुसलमान, कंस्ट्रक्शन वर्कर मुसलमान, आपको नफरत क्यों इन लोगों से, ये भारत के नागरिक है ना, आप तो मुख्यमंत्री, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह आप ये एक समुदाय से नफरत कर रहे हैं। तो हर जगह पर बीजेपी किसी भी स्टेट में रहने दो, सिर्फ नफरत करना मुसलमानों से, और उस नफरत को इंस्टीट्यूशनलाइज कर देना, और अपने गवर्नमेंट में जहां पावर में है वहां पर एक मैसेज दे देना पूरे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को कि आप कुछ भी कर सकते हैं मुसलमानों के ताल्लुक से।